काम की बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जब तक अभी हमने खाना खा लिया है और मीनवाइल हमारी जो दूसरी लांच है वो गई हुई है झींगे पकड़ने के लिए, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से का शिकार हो रहा है, बहुत बोरे हैं और इस तरह की ना कुछ गोली के पट्टे हैं, तो वो इस वक्त हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना हमारे पास अच्छा झींगा है। तो इतनी देर में हमने सोचा कि क्योंकि ना बाबू भाई से थोड़ी सी गपशप लगाई जाए, इस इलाके के बारे में जाना जाए कि हरजीना से जब हम यहाँ आते हैं तो ये कौन कौन से इलाके हैं, इनके ओरिजिनल नेम क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बताते हैं कि जी ये नमक वाली है, ये फलां वाली है, ये फलां वाली है। तो बेहतर ये है कि हमें पता हो कि ये एक्चुअली इनके ओरिजिनल नेम्स क्या हैं। अच्छा, और कुछ दो चार और चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं जो हरजीना से लोग आते हैं, उनकी कुछ शिकायात हैं, जैसे गोली अगर पकड़ लेते हैं कोई बड़ी साइज़ की तो उसके पोटे का एक इशू आता है, तो उसके बारे में ना कुछ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हरजीना वाले जो है ना वो ज्यादती करते हैं, तो उसके बारे में बाबू भाई से पूछेंगे। बाबू भाई, ये जो पोटे वाला जो मसला है वो बेसिकली है क्या, क्योंकि देखें इसके बारे में ना कुछ कंप्लेंस आ रही हैं कि हमारी वीडियोस के ऊपर भी कुछ कमेंट्स आए हैं इस तरह के, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि बेसिकली ये है क्या, ये किस तरह से जो ना आप लोगों ने कोई इसकी कोई प्रिंसिपल्स तय किए हुए हैं, क्या कोई एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि किस तरह से ये पोटा कब आपको मिलेगा और कब लॉन्च वालों को मिलेगा। पोटे का मसला ये कि पार्टी आती है हमारे पास, जी जी, चलो वो बैठते हैं, शिकार खेलते हैं हम लोग, वो तो आते हैं अपने शौक के लिए, उनको मछली चाहिए, जी बिल्कुल। तो जब ये मछली मारते हैं, अगर वो पार्टी खुद निकालती है मछली तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये अगर आप बोलें तो ये फोटा हम इसका निकाल के ना बच्चों की खर्ची कर देंगे, जो दो बच्चे जाते हैं डांस जी में, बिल्कुल। तो अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो उनका मर्जी है, हम उसके ऊपर कोई इतराज हमारा नहीं है। बाकी ये कि जो बच्चे निकालेंगे, हमारे लांच वाले निकालेंगे, उनमें से मच्छी उनको दे देंगे, भाई मच्छी आपकी है, बाकी इनमें से हम फोटा निकाल देंगे, ये थोड़ा बहुत हमारा खर्चा पानी हो जाएगा, तो इसी वजह से ये फोटे के ऊपर थोड़ा मसला चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ये बताएं, ये जो दूसरे इलाकों में जब ये जाते हैं, मतलब इब्राहिम हैदरी से जाते हैं या रेडी गोट से जाते हैं या दूसरे भी कुछ स्पॉट्स हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये इश्यूज आते हैं, या वहाँ पर वो जो लांच वाले मछलियाँ पकड़ते हैं वो अपने पास रखते हैं या पार्टी को देते हैं, वहाँ पर क्या रूल है? वैसे वहाँ का रूल ये कि हम अभी भी गए थे रेडी गोट में, तो वहाँ पे ये बातें चल रही थी कि भाई जो हम मछली मारते हैं वो उनको देते हैं हम लोग, जो दो बंदे जाते हैं लास्ट में, दो हो या तीन हो, वो मच्छी जितना भी मारेंगे वो पार्टी वालों को ही देंगे। अच्छा। वो नहीं, खुद नहीं रखेंगे, बिल्कुल। अच्छा, वो भी नहीं रखते? नहीं रखते वो, ठीक है। बाकी उसमें यही बातें चलती है, कोई मच्छी का गोली कोई बड़ा दाना लग गया 4 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का, तो उसमें से फोटा हम पेट चा करके निकाल देंगे, वो हम लोग की बच्चों की खर्ची है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं तो उनका मर्जी है। बाकी जो वो खुद निकालते हैं कश्ती वाले, वो बोलेंगे भाई मच्छी हम आपको दे रहे हैं, बाकी ये फोटा जो है ये हम। अच्छा, बाबू भाई इसमें एक चीज और क्लेरिफाई कर दें जी, कि इसके बारे में कोई मिथ भी है ना कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने लाखों का बिक जाता है ये, तो जरा इसको थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर दें कि ये इसकी एक्चुअली प्राइस क्या होती है, मतलब एक छोटी सी मछली है, मतलब 2 किलो की 3 किलो की है, उसमें से जब ये पोटा निकलता है तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने का होता है जो मार्केट में सेल होता है? अव्वल तो पार्टियों को पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ जाके बेचना है, कहाँ जाके बेचना, ठीक है, सही बात जी जी। अब इसमें यह कि ये फोटा 100 ग्राम का अगर हो जाए, 100 ग्राम से ऊपर हो जाए, तो वो तो मेरे ख्याल है कोई 8-10 किलो की मछली होगी, तो 8-10 किलो की मछली कोई निकलेगी तो उसमें 100 से ऊपर फोटा हो वो तकरीबन बेचते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं अभी कहाँ जाके बेचते हैं, ये कैसे बेचते हैं और ये कितने का बिकता है, मगर हम लोग जो निकालते हैं हम तो देते हैं इधर व्यापारियों को, ठीक है, जहाँ उठाने वाले जो हैं जी जी, तो बोलते भाई ये 100 ग्राम से कम है तो उसका समझो के 3,000-4,000-5,000 तक भी दे देते हैं। अच्छा, अगर 100 ग्राम से ऊपर है तो उसका 10,000-15,000-20,000 तक भी वो दे देते हैं हमारे को, डिपेंड करता है कि उसको मार्केट उसकी मार्केट आगे जाके वो बेचते हैं व्यापारी, वो वाला जानता है कितने की बेचे, 1,00,000 का बेचे 50,000 का बेचे, उसमें हमें पता नहीं है, हमें जो मिलते हैं पैसे वो यही मिलते हैं 100 ग्राम से ऊपर जो होता है। अच्छा, वो 100 ग्राम से ऊपर तो वैसे भी आपको पता 8-10 किलो की 8-10 किलो की मछली कोई चांस लग जाए, चांस ही है कोई, बाकी तो ये समझो कि फोटे निकालते हैं
20 ग्राम के 30 ग्राम के, इसके ये समझो कि 500 600 700 रुपये मिलते हैं व्यापारियों से भाई, ये बच्चों के खर्चे जो जाते हैं मेहनत करते हैं वो उनको हम दे दें, उसे हम लांच का मालिक जो वो हिस्सेदार नहीं है वो नहीं रखता है, वो हिस्सेदार नहीं होता, नहीं 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 रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा, वो उनको दे देगा जो दो बंदे जाएंगे, ठीक है, जो गरीब लोग मजदूर ही है ना, मजदूर हैं, गाड़ी पे जाते हैं, तो अगर उनको कुछ मिल जाता है तो कुछ मिल गया तो उनका बच्चों का आटा पानी हो गया, चलो वो अच्छा। हमारे साथ तो एक्चुअली जो ना ये इश्यूज है नहीं जी, क्योंकि हमारे साथ तो आप लोगों ने कभी भी कोई ऐसी नहीं, बात नहीं, की बात नहीं की, तो बात ये कि जो दूसरे लोग हैं उनके हवाले से मैंने जरूरी समझा कि हम इसको जो ना क्लियरिफाई करवा दें लोगों को, क्योंकि इसकी वजह से जो ना एक बैड रिप्यूट इस इलाके की हो रही है कि यहाँ के लोग ऐसे ज्यादती कर रहे हैं, तो जबकि ये ज्यादती मैं तो नहीं समझता कि ये ज्यादती है, अगर वो आपके साथ मछली पकड़वा रहे हैं, अगर वो नहीं लगती वो मिसाल की बात है कोई और स्पीशीज उसमें लग जाती है, मिसाल डाठी है या कोई और है, तो उसमें से तो ये भी नहीं निकलता, वो नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता, ये तो एक लक के ऊपर है, नहीं जांगरी से निकलता है ना स्वाटी से निकलता है, ये जो रिंगल जिसको हम बोलते हैं अपन तो ये निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं ये स्वाटी है, वो स्वाटी नहीं होती, वो रिंगण होती है, अच्छा रिंगण, हाँ रिंगण का मतलब ये है कि उसमें से फोटो उसका कुछ काम का नहीं है, अगर बिकेगा वो 400-500 का कोई देगा व्यापारी तो देगा, अगर नहीं तो वो देगा ही नहीं, वो हम निकालते अच्छा, ये भी सिर्फ गोली के ही सबसे कीमती है, गोली के ही सबसे कीमती है। चले मेरा ख्याल है कि व्यूवर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये, और आइंदा अगर कभी वो इधर आएंगे तो उनके जहन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर हमने मछली पकड़ी है तो हमारी मर्जी है कि हम वो पोटा आपको दें या ना दें, और अगर आप लोगों ने उनको पकड़ के दी है मछली तो उसमें से आप क्लेम करते हैं कि ये पोटा हमारी जो है ना वो मछली मतलब मछली आप रख लें, मछली आप रख लें, लेकिन ये पोटा जो है वो हमारी मजदूरी है, हमने आपके साथ जो मदद करवाई है, मदद कराई, मेहनत की हम लोगों ने, तो अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर एक बात और बहुत जरूरी मैं कहना चाहूंगा कि वो ये कि देखें दूसरे इलाकों से जब आप मछली पकड़ने जाते हैं जैसे इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट से, तो ये लोग आपको मदद नहीं करते, झींगा ढूंढ के नहीं देते, झींगा पकड़ के नहीं देते, लाइव बेट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चूंकि वो आपको नहीं दे रहे होते तो व्यूवर्स आपको इस ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये यहाँ से जब आप हरजीना से आते हैं यहाँ पे शिकार करने के लिए तो ये लोग आपके साथ इस तरह का कोऑपरेशन भी देते हैं, वहाँ पे आप जो है ना वो लाइव बेट जो है वो खुद खरीदते हैं अपना लेकर आते हैं, ठीक है जी, जी। अच्छा बाबू भाई ये तो हो गई बात ना, ये हम चाह रहे थे कि जरा क्लियर हो जाए लोगों को जहाँ तक ये मैसेज पहुँच जाए, कुछ लांच वाले अच्छा कुछ लांच वाले जो हैं वो थोड़ी सी बदतमीजी भी करते हैं, आज भी मैंने देखा यहाँ पर एक जब हम लोग होता है हम लोग आ रहे थे बाल लोग है समझो कि पांच उंगली बराबर नहीं है, बाकी ये कि कुछ लोग हमारे में ऐसे है कि थोड़ा पार्टी वालों से पानी पे चले गए निकल गए बाहर समंदर में, वहाँ भी बदतमीजी करते हैं, और समझो कि आगे किनारे पे उतरे तो भाई 1500 के लिए अभी हम कम दे रहे हैं यार, हमें मछली नहीं लगी या कुछ नहीं मिला, 1500 कम दे रहे हैं, उसे वो बदतमीजी करते हैं कुछ बाज लोग हैं उनमें अच्छा। समझो के अच्छा मतलब इसमें आप ये आपका कहने का मकसद ये है कि अगर वो कुछ पैसे कम दे रहे हैं तो वैसे पार्टी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मछली लगी ना लगी तो एक किस्मत की बात है, जो आदमी मुँह से निकाल देता है बात, चलो भाई अभी इतने तय हो गया है वो उनको देना है, ठीक है फिर मच्छी लगे या ना लगे वो नसीब का काम है। आज आज मैं देख रहा था कि जब एक पार्टी पहुंची तो वो ये कह रहे थे कि यार इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भी वहाँ पे पानी में कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, अब तो क्योंकि वो रात भर सोते भी रहे, इंजन खराब हो गई थी, इंजन खराब हो रही थी, आज भी इंजन खराब हो गई, कश्ती पानी से भर रही थी, और हम लोग जो सारी रात ख्वार हो गए, अभी उसी बात पे जो थोड़ा इनका फटा चल रहा था, तो लांच वाले को भी सोचना चाहिए थोड़ा कि यार बराबर हुआ है, क्योंकि जैसे अपनी लांच खराब हो गई थी जी, बिल्कुल वो मैंने वो हाँ, भी ये आपकी लांच खराब हो गई तो हम लोग आगे दूसरी लांच लेके आपको उठाया, फिर सारा दिन घूमे फिरे वापस बांध के किनारे पे पहुंचाया, तो वो उनके पास कोई लांच दूसरा था ही नहीं, तो वो लांच पानी से भर रही थी, इंजन उसका खराब था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसी वजह से थोड़ा उन लोगों ने परेशान हो गए थे। बाबू भाई इन लोगों का क्या हाल है, मतलब एक नई पार्टी अगर आती है जी तो उनको तो नहीं पता ना कि कौन अच्छे लोग हैं और कौन से बुरे लोग हैं, अगर वो ऐसे लोगों के साथ चले जाएं जी तो, क्योंकि उस दिन भी जब हम संडे वाले दिन इतवार के दिन इतवार के दिन हाँ क्योंकि लोग भी पैसा खर्च करके आते हैं, महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो शौकीन होते हैं वो पूरी लांच को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बहुत सारे लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके बिल्कुल तो वो आ जाते हैं, और वो एक सब मजदूर आदमी सब तो अमीर वो भी एक्चुअली सारे अमीर तो नहीं है ना, हाँ सारे अमीर तो नहीं है, कोई मजदूर आदमी है, कोई पगार पे खड़ा हुआ है, कोई तनख्वाह वाला है, अभी वो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तो एंजॉय करते हैं कि वे अभी
छः सात जने हो गए हैं अब चलो शिकार खेल के आए, तो उनका खर्चा भी होता है बहुत, ठीक है बहुत खर्चा होता है, तो उनके साथ काम करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। हाँ, इतवार वाले दिन जब हम यहाँ से वापस गए तो वहाँ पर एक पार्टी भी हमारे साथ वहाँ पे उतरी ना, तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि जी वो हम इन लोग के साथ गए थे, इन्होंने हमारे जो ना बस ख्वार कर दिया हमें, ख्वार कर तो दिया। मकसद ये कि लोगों की ये जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हैं। अच्छा, वो मैंने देखा तो वो तो उनको मैं पहचानता भी नहीं था, वो पता नहीं कोई नए लड़के थे, नए लड़के तो थे। ऐसे अब विवर आपके लिए भी बहुत जरूरी है, आप लोग अगर आते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले तसल्ली करें कि कौन अच्छे लोग हैं यहाँ पर और किन लोगों के साथ आपको शिकार पे जाना चाहिए। इसमें थोड़ी सी आप अगर कर लेंगे, जरा तहकीक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक दफ़ा अगर किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस होता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सारे हरजीना से जो लोग लॉन्चेस लेके आते हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बाबू भाई, अब चलें ये तो बात हमारे व्यूवर्स को काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि चंद काली भेड़े हैं यहाँ पर लांच वाले, ठीक है ना, बिल्कुल है, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं बाद पार्टी के साथ, ज्यादती भी करते हैं, जिंगा मार के देते हैं उनको, लाए अगर जिंगा नहीं मारा थोड़ा बहुत मिला मिला नहीं मिला तो अपना सब टाइम पास करते हैं वो, कि भाई हमारा टाइम निकल जाएगा हम उनको वापस किनारे में छोड़ देंगे। उनका भी रोजगार है, अगर वो पार्टी को अच्छा एंटरटेन करेंगे तो वो अगली दफा भी उनके साथ, अगली दफा भी उनके साथ आएंगे, वो दो चार पार्टी और को भी बताएंगे भाई ये बंदे अच्छे हैं और हम इसके साथ जाते हैं, आप ही इनके साथ ही जाओ। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, वो तो होती है हमारा तो रोजी रोटी यही है और उसके अलावा तो है कुछ नहीं, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास तो वो तो नहीं आएंगे मगर पांच पार्टी दूसरी भी नहीं आएंगी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बाबू भाई, अब थोड़ा सा जो ना एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैटरी बहुत कम है, 1% शो हो रही है, तो इसके बाद जो ना एक इस सारे इलाके के बारे में ना एक थोड़ी सी हमें बताइएगा, एक गाइडलाइन दीजिएगा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा जो आपको पता है, ठीक है ना। अब फिर दूसरा ये कि यहाँ पर आप किस तरह से नेविगेट करते हैं, कैसे जाते हैं और आते हैं, मतलब आपको रास्ते कैसे याद होते हैं, सब मुझे तो आज तक याद नहीं हुए, ठीक है ना। तो आप लोग किस तरह से नेविगेट करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पानी का बाव कब ज्यादा होगा? जी हाँ, और ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो ना इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं है, जिस तरह से इंडिया में है कुछ इस तरह के मैग्रोव्स और हमारे यहाँ पर है, तो ये हर जगह पे ये कुदरती हुसन जो है ना वो पाकिस्तान में है। तो अगर हमारी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी अपडेशन हो जाए और कुछ बहुत अच्छा हो जाए कुछ थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है कि जो बाहर से लोग आते हैं ना वो भी फिशिंग के लिए यहाँ पर आया करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखी जाती है। जी जी, और हम लोग हमारे भी जो व्लॉग्स हैं जो बहुत सारी जगहों पे देखे जाते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो सारी उर्दू में होती है, तो वो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन तैयार करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल, ताकि वो जो ना कैप्शन आ जाए करें उनके लिए। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा, हमारे खास तौर पे ये जो सिंध का ये इलाका है, इधर से चले जाए शाह बंदर तक वो सारे जो ना बहुत जबरदस्त, और केटी बंदर, शाह बंदर है, और बहुत सारे इलाके हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारा हुस्न दिया है। अच्छा ये जरा बताए दें, अब तो मेरा ख्याल कंटिन्यूटी हो गई है, तो ये बताएं ये बेसिकली इस इलाके का नाम क्या है, मतलब जो आपको पता है वो बताएं हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो उनको भी असल हिस्ट्री इसका पता चले ना, अब तो पुराने हैं यहाँ के। जैसे हम लोग निकलते हैं अर्जुना से, यस, तो आगे आके समझो कि मुंह खारडोरों में पड़ता है, खारडोर से निकले तो यहाँ निकल गए आगे, तो सालमारा पट्टे वटे जी है, शासन की मजार है, आगे जाके बोर्ड कासम आ गया। अभी हम जिस इलाके में इधर आओगे तो समझो ये है कातोरी, अच्छा ये कातोरी है, इससे आगे थोड़ा है वो 10 मिनट का रास्ता है बिबरियाला, इससे अंदर वो साइड जो है वो दुनियारा कहलाती है, दुनियारा से जाओगे अंदर सीधा वो भी जाके आपको बोर्ड कासम में छोड़ेगा। अच्छा, इन इलाकों में कहीं पे कोई आबादी भी पाई जाती है, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं रहता। अच्छा, कोई नहीं, ये सारे टापू ऐसे हैं जो जून जुलाई में डूब जाते हैं? डूब जाते हैं, हाँ, बड़े पानी आता है तो बड़े पानी में ये डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो, क्योंकि मैं एक दफ़ा पटियानी की तरफ गया था जी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो जून जुलाई में भी वहाँ पे वो उन्होंने दरख्त के साथ ना वो ऊंची करके अपनी चारपाइयाँ बांधी हुई थी। हाँ,
अभी जैसे तो आप वहीं पे रहते हैं। जैसे आप यहाँ से निकलोगे बिबरीलाल आगे बटन आ गया, बटन आ गया ना, बटाने के साइड पे उस साइड पे बच्चों के साथ बंदे रह रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल हैं, आबादी है, बच्चे हैं। तो वो पूरे साल यहीं पे होते हैं या कहीं यहाँ से चले भी जाते हैं? वो समझो हमेशा वहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, पर किश्तियों के जरिए जो उनको पानी राशन किश्तियों के जरिए मिलता है वहाँ वो ले आते हैं, और बच्चे ये वो सब कुछ वहीं रहते हैं वो। अच्छा, इन टापुओं पे और किस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब जिसमें सांप बिच्छू और इस टाइप की चीजें? हाँ, गीदड़ हमने उस दिन देखा, बड़ा हाँ, गीदड़ है, खूबसूरत व्हाइट जैकल था। हाँ गीदड़ है, गीदड़ है, सांप भी है। समझो कि आगे जैसे अपन अभी आए थे वो छोटे नाले से बाहर निकले, या छापड़ा बना हुआ था ना, हाँ जी जी, वो ठीक है, वो जेलीफिश का, इसका पल्ला साइड जो है इसके ऊपर जो है सांप बहुत मिलते हैं। अच्छा हाँ, जहरीले सांप, ये बारिशें होती है ना तो जबलों से पहाड़ों से सांप आके नदियाँ बहती हैं, तो वो आके गिरता है समंदर में, समंदर में, समंदर से फिर ये जैसे कुछ की जगह जो है उन पे सांप चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो वहाँ बच्चे रहते हैं वो बहुत तादाद में हो जाते हैं वो। अच्छा, इस जगह से 4-4 किलो की, 3-3 किलो की गोलियाँ पकड़ी हैं जी, तो क्या है गोलियों का मखसूस पॉइंट है क्या? हाँ, ये पहले नहीं था। आप करेंगे सवाल अनुरोध? हाँ। अच्छा बाबू भाई, ये जो हमने 4 किलो की 5 किलो की भी यहाँ से जो गोलियां पकड़ी है, तो ये क्या यहाँ मखसूस पॉइंट है इसका, ये पूरे साल होती हैं या ये माइग्रेट करके आती हैं, हिजरत करके आ जाती हैं खास मौसम? ये समंदर, अभी बंगाली की झोपड़ी इसका नाम हम लोगों ने रखा है। अच्छा, अभी ये जो टुकड़ा पूरा पानी में भर गया ना, कट गया है पूरा, समंदर ने काट दिया है। इधर बंगाली एक रहता था सुल्तान नाम का, अच्छा हमारा अच्छा बहुत दोस्त। अच्छा, वो जो बंगाली की झोंपड़ी, तो वो उस नाम उसके से मशहूर है, उसके नाम से मशहूर है वो बेचारा, वफात कर गया, 100 क्वार्टर का था। अच्छा ठीक, तो वो यहाँ रहता था, ये झुग्गी बनी हुई थी उसकी, बड़ा झोपड़ा बना था, हम लोग जैसे लाचे हमारी आती थी इनके पास रुकते थे, दुआ सलाम करते थे, दुआ सलाम करके प्रिंट से निकलते थे हम लोग। अच्छा, तो उस टाइम से लेके ना वो बंगाली की झोपड़ी हमने कहला मशहूर हो गया, मशहूर हो गया ये जगह जो है, बंगाली की झोपड़ी कहलाती है। ठीक है, वो अब नहीं रहा, लेकिन अब उसकी यादें यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, वो मैं अक्सर सोचता था कि ये बंगाली की झोपड़ी इसका नाम क्यों है। हाँ, वो इसी वजह से। अच्छा, वो के नाम क्या बताया था? सुल्तान भाई सुल्तान बंगाली था, और बड़ा अच्छा 5 वक्त नमाजी और नेक बंदा था, और हमारा बहुत गहरा दोस्त था। अच्छा, तो उसका पैसा क्या था? वो क्या करता था? वो यहाँ झींगे मारता था। अच्छा, झींगे मार, हाँ, जाली मारता था झींगों की, और महीना महीना यहीं रहता था। उसकी किश्ती जतुल लोग है ना, लट बस चाले, वो उनका झींगा उठाते थे। अच्छा, जो भी जमा करता था वो लेके जाते थे, बेचते थे, फिर वो महीने महीने में फिर उनका हिसाब होता था। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, और इस इलाके के बारे में कोई ऐसी चीज, जो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो कभी, मतलब कोई ऐसी चीज जो कभी, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना इंसान के साथ जो कभी, अनवर भाई जी, जालों का इशू है, हजारे का इशू है। हाँ, असल में यहाँ पे इश्यूज का तो गढ़ है। हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे जो उस दिन भी हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वो आके उस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो हजारे लगा के चले। तो ऐसी सूरत में जो शौकिया शिकार करने जैसे हम लोग आते हैं, तो हम डोरों से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डोरें उसमें उलझ जाती हैं। बिल्कुल, हाँ उलझ जाती। फिर वहाँ पे, अच्छा फिर कई दफ़ा ये होता है कि वो जाल लगा के चले जाते हैं, तो वहाँ पे डोरों का फिर काम नहीं रहता। सही है। तो इसके लिए क्या, मतलब कोई तरीकाकार नहीं है आप लोगों का अपना कोई एक सिस्टम? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की, जैसे वो बोलते हैं हाशिम की कंदी है, ठीक है, इसी तरीके से ये फलां की कंदी है, तो वो किसी न किसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो तो खरीदी भी तो नहीं है, लेकिन उसके नाम हुई भी है ना। ये जो हम लोग भूसे के ऊपर झींगा पकड़ते हैं, चारे के ऊपर चारा ही देते हैं, झींगा पकड़ते हैं, भाई इस कंदी पे हाशिम खड़ा हो गया, भाई आश्रम का कंदी है, बाबू भाई खड़े हो गए, उसके अलावा कोई नहीं आएगा वहाँ, उसके अलावा कोई नहीं। अगर वो खुद नहीं होगा तो दूसरा भी आके खड़ा हो जाएगा, अगर खुद खड़ा होगा तो फिर दूसरा वहाँ नाच वाला नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब वो उसके नाम हो गए, नाम हो गए, समझो वो मालिक है, वो खड़ा हुआ है, उसके अलावा। अच्छा, ये लोग जो बाहर से आ जाते हैं, मतलब जो आपके इलाके के नहीं है, और वो मैंने देखा है कि कुछ बाहर से भी आ जाते हैं, जब उनको पता चलता है यहाँ पे शिकार लग रहा है तो वो अपने जाल लेके और ये लेके आ जाते हैं, तो वो उनको उनको कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? मतलब आप लोगों के पास कोई मैकेनिज्म है इसका बना हुआ या कोई? अभी इसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ हुई, बंदे भी मरे थे। अच्छा, हाँ, अर्जिना के बंदा एक था, वो भी मार दिया था उन लोगों ने, यहाँ से बांध कर लेके गए हैदरी में, वहाँ से बंदे को बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो वहाँ से अर्जिना से बंदे गए, वहाँ से उठा के लाए उसको, ये बूले जाल के ऊपर ये फटा चल रहा था। हाँ, क्योंकि बूले जाल बड़ा खतरनाक है। बड़ा खतरनाक है,
तो नस्ल कशी है, वो छोटा कुछ नहीं है बिल्कुल। तो इसी वजह से झगड़े चलते रहे, हम लोगों ने खुद उनके बोले काटे उठाए सब कुछ किया, मगर वो माने नहीं। अभी वो उनके पीछे जो है ना, जैसे हम लोग तो गरीब आदमी है, अभी बोला जाली बांधते हैं वो तो बांधते हैं, पर उनके पीछे जो सपोर्ट बहुत बड़ी है। अच्छा सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट बहुत बड़ी है, बड़ी सपोर्ट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल गवर्नमेंट को भी ले आए, पुलिस को भी ले आए, ये होता है कि पिछले वो के बंदे हैं वो गवर्नमेंट में हैं, उनको ले आए इधर, बहुत फटा हुआ था ये समझो कि आगे जो कहलाता है ये किनारा कब्रस्तान वाली किनारा कहलाते हैं अपन, कब्रस्तान के किनारे पे इधर एक लांच भी डुबो दी थी, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट वाले भी थे। अच्छा हाँ, तो वो बिल्कुल लांच छोड़ के भागे, उनको पकड़ा, फिर जब लेके गए तो वहाँ जाके पता चला कि भाई ये फलाने की लांच है, फलाने की लांच है इसका। अच्छा, ठीक है, वो फिर तो ठंडे पड़ गए वो भी। वो मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे जो लोकल बड़े हैं, बड़े हैं वो, उनसे उनका कोई सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है वो, उनकी खाते हैं वो भी कुछ ना कुछ, तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनको वोट चाहिए होते हैं, वो फिर अगर उनके उनके ज्यादा वोट्स हैं तो फिर वो उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। बाकी जो लोग हम लोग जैसे गरीब आदमी और भी जोर भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, फिर ऐसा करते करते ना फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने बोला यार होता तो कुछ नहीं है, काम काम अपने बंदे जाया करेंगे, या कोई उनमें से मरेगा, कोई हमारा मरेगा, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का काम तो है, उनको इस तरह की एक्टिविटीज ना होने दे जिससे मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है। और ये तो आपको पता है जो ये जो क्रीक्स हैं यहाँ पर, तो ये सारी ये तो नर्सरी है, नर्सरी हैचरी है। बिल्कुल, चलिए ठीक है बाबू भाई, बहुत अच्छी आपसे मालूमात हमने ली जी। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो दोबारा किसी वक्त फारिग होंगे तो आपसे और गपशप लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी जी जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।